प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले पर बयान आया है। सीएम योगी ने खुले मन से स्वीकार किया कि कृषि कानून मसले पर सरकार विफल रही। उन्होंने प्रधानमंत्री के फैसले को सराहते हुए इसे लोकतांत्रिक नजरिए से सही ठहराया, लेकिन ये भी माना कि सरकार में कमी रह गई जो किसानों को आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ा। सीएम ने कृषि कानून पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मित्रों, तीन कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि तीन कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो, कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और MSP को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।